क्या आप भी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का सपना देखते हैं? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड गिव येस एज एन आंसर। और अगर ये टॉप इंस्टीट्यूशंस आपकी ही अपनी कंट्री में हो तो दैट इज़ लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक। बट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये ड्रीम फुलफिल होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है, बिकॉज टाइम्स हायर एजुकेशन की लेटेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में फीचर नहीं कर पाई है। हे गाइस, माय नेम इज़ मानसी आनंद एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ 2020 जो आज ही रिलीज़ हुई हैं। सो इसमें हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में काउंट हो रही हैं और ऐसे क्या रीजंस हैं कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काउंट नहीं हो पा रही हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है क्या। सो इस साल आई ये रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन की 16th रैंकिंग है एंड काफ़ी सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ को जज करती है, उनको एक स्कोर देती है और उसके हिसाब से एनालाइज करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट बननी चाहिए। तो इस साल इस एनालिसिस में 1300 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया दैट बिलोंग टू 92 डिफरेंट कंट्रीज़। सो अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इस लिस्ट में टॉप 5 प्लेसेस मिली हैं। सो इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो इसमें आप देख सकते हैं द फर्स्ट पोजिशन इज़ बींग ऑक्यूपाइड बाय Oxford University from UK and the other top positions are occupied by Caltech, Cambridge University, Stanford and MIT and all these belong to US. So, अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि here the dominating country is US. So, आप देख सकते हैं कि कैसे top 5 में से 4 positions are being occupied by US. So, इसी तरह अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी 7 पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय यूएस। सो नाउ ये तो हुई एक ग्लोबल लेवल की बात कि वर्ल्ड में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप पर हैं। सो नाउ कमिंग टू इंडियन सिनेरियो, सो अब देखते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में कितना रिप्रेजेंट कर रही हैं और क्या रोल प्ले कर रही हैं। सो टाइम्स हायर एजुकेशन की ये रैंकिंग इट केम एज अ मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया। इसमें कुछ हाई पॉइंट्स भी हैं और कुछ लो पॉइंट्स भी हैं। सो एट द सेम टाइम वी कैन सी सम इम्प्रूवमेंट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बट स्टिल देर इज़ मच लैकिंग। सो अब देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को स्टैंड आउट करता है और ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जिन पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो नाउ यू कैन सी दी हाई पॉइंट्स फॉर इंडिया जो हमें बताता है कि ऐसी क्या गुड न्यूज़ ये रैंकिंग इंडिया के लिए लेकर आई है। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़, सो लास्ट ईयर जब टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी उस टाइम 49 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग का पार्ट थी, बट नाउ दिस ईयर दिस काउंट हैज़ इंक्रीज टू 56। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ हैप्पी न्यूज़ फॉर इंडिया। Now moving on to the next point. So now moving on to the next point, India is the 5th most represented nation in the world. That is, अगर हम ये count करें कि किस country की सबसे ज़्यादा universities इस ranking का part बनाती हैं तो उस rank में India comes on 5th number. And similarly, India is the 3rd most represented country in Asia after China एंड जापान। सो लास्ट ईयर भी इस काउंट में इंडिया को 5th प्लेस मिला था। दैट इज़ अगर ये काउंट देखा जाए कि किस कंट्री की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग का पार्ट है तो उस काउंट में इंडिया कम्स ऑन नंबर 5 एंड एशिया में ये नंबर है नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिप्रेजेंटेशन इन टॉप 500 इंक्रीज्ड टू 6 फ्रॉम 5 इन द लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर टॉप 500 में इंडिया की 5 यूनिवर्सिटीज़ थी एंड नाउ दिस नंबर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1 to 6। सो इस साल टॉप 500 में इंडिया की 6 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आया है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा हैप्पी होने वाली बात है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो ये है कि IIT रोपड़ ने इस लिस्ट में डेब्यू किया है एंड दैट टू डायरेक्टली इन टॉप
350. सो IIT रोपड़ का नाम इस लिस्ट में पहली बार आया है और वो भी टॉप 350 का पार्ट है. एंड IIT रोपड़ ने ये प्लेस शेयर किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साथ. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर, ये इंडिया का एक टॉप इंस्टीट्यूट है जो इस लिस्ट में 2012 के बाद कंटिन्यूसली फीचर हो रहा है. सो IIT रोपड़ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोनों ने इस पोजीशन को शेयर किया है एंड उनके बाद नंबर आता है IIT इंदौर का. सो ये सारी रैंकिंग्स आप स्क्रीन पर फीचर कर रहे इस डायग्राम में देख सकते हैं. सो आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट पोजिशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और इसकी जो रैंक है वो है 301 to 350 के बीच में. बट यहाँ पे थोड़ी दुखी होने वाली बात ये है कि लास्ट ईयर ये रैंक ऊंची थी जो 50 पॉइंट से कम हो चुकी है. सो लास्ट ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वॉज रैंक बिटवीन 251 to 300 बट नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 301 to 350 रैंकिंग्स. सो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स में क्या होता है, 300 तक तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स को रैंक देते हैं और 300 के बाद जितने भी इंस्टीट्यूट्स रैंक करते हैं उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं रादर देन कि उनको एक रैंक दी जाती है. लाइक जितने भी इंस्टीट्यूट्स की रैंक 301 से 350 के बीच में होगी उन सबको 301 to 350 के ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाएगा. सो IIT रोपड़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ये प्लेस हासिल की है. सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आप देख सकते हैं उसके बाद IIT रोपड़ का नंबर है एंड उसके बाद IIT इंदौर जो 351 to 400 कैटेगरी में फिट हो रहा है. सो लास्ट ईयर भी उसकी पोजीशन यही थी. सो यहाँ पे एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि IIT रोपड़ और IIT इंदौर जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ IITs से बिलोंग करते हैं. दैट इज़ दे आर वेरी यंग IITs, उनको एस्टैब्लिश हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट स्टिल उनके जो सीनियर इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, वो उनसे बेटर रैंक लेके आ रहे हैं. सो यहाँ पर जो एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि जो यंगर इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IIT रोपड़, IIT इंदौर, दे आर परफॉर्मिंग as well as older institutes like IIT Delhi and IIT Kharagpur or we should say better than them. So, आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कई न्यू एंट्रेंट्स भी हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. सो जिसको हम कॉमनली JNU के नाम से जानते हैं, JNU ने पहली बार इस लिस्ट में फीचर किया है इन द रैंक ग्रुप ऑफ 601 to 800. और भी कई नए इंस्टीट्यूट हैं, IIT रोपड़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. उसके अलावा ICT मुंबई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीज, IIT गांधीनगर और कई और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने पहली बार इस लिस्ट में फीचर किया है. सो इस टेबल में जहाँ आप 2019 के अंडर NR देख रहे हैं, NR का मतलब है नॉट रैंक. सो लास्ट ईयर ये इंस्टीट्यूट्स रैंक नहीं किए गए थे बट इस साल इनको रैंकिंग मिली है. सो दे आर द न्यू एंट्रेंट्स इन द लिस्ट. सो ये तो हुई सारे हैप्पी पॉइंट्स की बात कि ये रैंकिंग इंडिया के लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आई है. बट नाउ लेट्स लुक ऑन टू दोज पॉइंट्स जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट्स इम्प्रूव कर सकते हैं और ये रीजंस को एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों उनकी रैंकिंग टॉप 100 या टॉप 200 या टॉप 300 में नहीं आ पा रही है. सो लेट्स लुक एट द लो पॉइंट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय टाइम्स हायर एजुकेशन. सो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहला पॉइंट है नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 300. सो हमारी सरकारें काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेशनल बनाया जा सके. रोज़ ही हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इतने IITs खोले जाएंगे, इतने IIMs खोले जाएंगे, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए ये कर रही है, वो कर रही है. बट क्या ये इंस्टीट्यूट्स एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं? क्या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स को नॉलेज ट्रांसफ़र करने की, क्या ये वो अच्छे से कर पा रहे हैं? सो अगर ऐसा होता तो क्या कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 300 में फीचर ना करती? सो दिस इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर इंडिया दैट कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 300 में फीचर नहीं कर पाई है. सो इसके पीछे जो भी रीजंस हैं उन रीजंस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इसकी जो रैंकिंग है जो कि लास्ट ईयर 251 to 300 के बीच थी एंड दिस वॉज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो टॉप 300 में इंक्लूड किया गया था इंडिया से, नाउ इट हैज़ फॉलन टू 301 to 350.
सो इसकी जो रैंकिंग है वो 50 पॉइंट से स्लाइड कर चुकी है. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रैंकिंग कम होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि साइटेशन इम्पैक्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का वो कम हो चुका है. और ये साइटेशन इम्पैक्ट क्या चीज़ होती है ये हम पढ़ने वाले हैं जब हम डिस्कस करेंगे द मेथडोलॉजी विच टाइम्स हायर एजुकेशन यूजेस. सो आप इसकी फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ही मिनटों में इसको डिस्कस करते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट फॉर इंडिया इज अराउंड 7 यूनिवर्सिटीज फेल इन टू अ लोअर बैंड, मोस्ट रिमेन स्टेबल एंड स्मॉल नंबर ऑफ राइजर्स. सो अगर हम इस लिस्ट को देखेंगे, इस रैंकिंग को देखकर हम ये जान पाएंगे कि अराउंड 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो कम हो चुकी है जितनी उनकी रैंकिंग पिछले साल थी उससे. मैक्सिमम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ स्टेबल रही हैं अपनी रैंकिंग्स में, जिस रैंक ग्रुप से वो पिछले साल बिलोंग कर रही थी उसी रैंक ग्रुप से वो इस साल भी परफॉर्म कर रही हैं. एंड कुछ राइजर्स भी हैं जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया. सो अगर आप इस टेबल को दोबारा देखें सो आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की जो रैंकिंग थी वो लास्ट ईयर आई थी 801 से 1000 के बीच में, बट नाउ इट हैज़ इम्प्रूव टू 601 टू 800. ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं भी जिनकी रैंकिंग इस साल इम्प्रूव हुई है, बट मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग इस साल कम हुई है. सो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया. और इंडियन अथॉरिटीज़ को ये बात देखनी चाहिए कि कैसे हम अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को बेटर बना सकते हैं, और ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसी रैंकिंग के साथ इंडिया को एक इंटरनेशनल एजुकेशन हब बनाया जा सकता है. क्या इंडिया में बाहर के बच्चे भी पढ़ने के लिए आएंगे, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट्स क्या इंटरनेशनल फैकल्टी को अपॉइंट कर पाएंगे. सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक ग्लोबल आउटलुक देने के लिए या फिर उसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में पहुंचाने के लिए इंडियन अथॉरिटीज़ को काफ़ी काम करना पड़ेगा. सो अब जानते हैं कि ऐसे क्या मेथोडोलॉजी है या ऐसे क्या तरीके हैं जिससे ये रैंकिंग्स कैलकुलेट की जाती हैं. हमने रैंक तो कर लिया कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी रैंकिंग है, ये यूनिवर्सिटी इस रैंक पे आती है, बट उसके पीछे ऐसा क्या प्रोसेस है जो इन रैंक्स को डिसाइड करने में यूज़ होता है. सो नाउ लेट्स लुक एट दोज मेथोडोलॉजीज. टाइम्स हायर एजुकेशन की ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका डिसीजन लिया जाता है 5 पैरामीटर्स पे. सो ये 5 पैरामीटर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये 5 पैरामीटर्स हैं टीचिंग, रिसर्च, साइटेशंस, इंटरनेशनल आउटलुक एंड इंडस्ट्री इनकम. सो इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है वो हम आप डिस्कस करेंगे. सो मेथोडोलॉजी के डिटेल डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पैरामीटर है दैट इज़ टीचिंग, टीचिंग की 30% वेटेज है एक यूनिवर्सिटी की रैंक डिसाइड करने में. सो टीचिंग का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ में कैसा पढ़ाया जाता है. सो इसके अंडर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है इंस्टीट्यूट की रेप्यूटेशन, स्टाफ टू स्टूडेंट रेशियो के एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी कितना स्टाफ अपॉइंट करती है और क्या ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं ये, और क्या ये रेशियोज ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं या नहीं. आफ्टर दैट डॉक्टरेट टू बैचलर्स रेशियो के बैचलर्स कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट्स डॉक्टरेट कोर्सेज तक दैट इज PhD कोर्सेज तक पहुँचते हैं. आफ्टर दैट डॉक्टरेट्स अवॉर्डेड टू अकेडमिक स्टाफ रेशियो कि कितने स्टाफ को PhD डिग्रीज अवॉर्ड की जाती हैं या कितने लोग जो इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उनको ये हायर एजुकेशन डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं और क्या ये रेशियोज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाते हैं या नहीं. एंड द लास्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल इनकम कि एक इंस्टीट्यूट की क्या इनकम है. सो आप देख सकते हैं कि टीचिंग पैरामीटर के अंडर 30% वेटेज को भी अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है. सो हर एक पॉइंट के साथ आप उसकी वेटेज देख सकते हैं. सो आफ्टर दैट गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड पॉइंट विच इज़ रिसर्च. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिसर्च का जो वेटेज है वो है 30%. सो रिसर्च का मतलब क्या है कि एक इंस्टीट्यूट में या एक यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च कंडक्ट करवाई जा रही है या जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन हो रहे हैं क्या वो इतने रेलिवेंट हैं या क्या वो इतनी वैल्यू होल्ड करते हैं कि उनकी कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी हो या उनको रियल लाइफ में कहीं यूज़ या फॉलो किया जाए. सो रिसर्च के भी आगे सब पॉइंट्स हैं
जैसा कि आप देख सकते हैं, और उन सब पॉइंट्स की भी कुछ वेटेज है जो डायग्राम में मेंशनड है. सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज रेप्यूटेशन सर्वे. सो रेप्यूटेशन सर्वे में आप नाम से ही कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे कि एक इंस्टीट्यूट की रेप्यूटेशन या इमेज कैसी है स्टूडेंट्स के बीच. सो देर आर सम इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM अहमदाबाद या IIT दिल्ली, जहाँ पर स्टूडेंट्स आके रिसर्च करना चाहते हैं. ये इंस्टीट्यूट यूजुअली उनका ड्रीम होते हैं कि वो यहाँ पे आए और अपनी PhD परस्यू करें. सो दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ इमेज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और उनका नाम ही काफ़ी है. सो दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ ब्रांड इमेज. सो आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिसर्च इनकम. सो जब भी एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट में वेंचर करती है या कोई भी रिसर्च कंडक्ट करती है, तो ऑब्वियसली उससे एसोसिएटेड काफ़ी सारे कॉस्ट होते हैं, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. सो क्या वो यूनिवर्सिटी उन कॉस्ट को, उन इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर कर पाती है, एंड अबव दैट क्या वो उससे प्रॉफिट कमा पाती है. सो बेसिकली रिसर्च कितनी भी रेलिवेंट हो, क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है एक यूनिवर्सिटी के लिए, क्या यूनिवर्सिटी उसको कंडक्ट करने का खर्चा अपने आप निकाल सकती है या उससे कुछ आगे कमा सकती है या फाइनेंशियल बेनिफिट उठा सकती है या फिर नहीं. सो द लास्ट पॉइंट एज यू कैन सी इज रिसर्च प्रोडक्टिविटी. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्या एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च इतनी प्रोडक्टिव है या इतनी यूजफुल है कि वो अप्लाई हो सके रियल लाइफ में कहीं पे. सो दिस इज़ व्हाट रिसर्च प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट, कि क्या यूनिवर्सिटी ऐसी रिसर्च कंडक्ट करवा सकती हैं जिनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन हो. सो दिस वॉज रिसर्च पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज रैंकिंग्स दैट वी जस्ट स्टडीड, एंड इट इज़ साइटेशंस. सो सबसे पहले ये जानते हैं कि साइटेशंस होता क्या है. सो साइटेशंस का मतलब क्या है कि अगर एक यूनिवर्सिटी में कोई भी रिसर्चर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है या कोई भी ऐसा मैटर पब्लिश कर रहा है जिस पे उसने रिसर्च किया हो, क्या होता है अगर आने वाले फ्यूचर रिसर्चर्स उनका टॉपिक इस टॉपिक से मिलता जुलता है, तो वो सेम रिसर्च पेपर को रेफ़र करेंगे अपना लिटरेचर रिव्यू करते वक्त, और फिर क्या करेंगे अपने खुद की रिसर्च में उस प्रीवियस रिसर्च पेपर को मेंशन करेंगे या फिर एक्नॉलेज करेंगे. सो दिस इज़ नोन एज साइटेशंस. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं एक रिसर्च पेपर लिखने जा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अपना टॉपिक जब फाइनलाइज कर लूँगी तो उसके बाद मैं उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स निकालूंगी एंड आई विल रीड देम थॉरली और मैं एक लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करूँगी. बट जब उसके बाद मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करने पे आऊँगी और अपना मटेरियल पब्लिश करूँगी, तो मैं उसमें वो सारे पेपर्स मेंशन करूँगी जो मैंने साइट किए या फिर जिनको भी मैंने रेफ़र किया. सो मेंशनिंग प्रीवियस रिसर्च पेपर्स इन योर ओन रिसर्च जो आपने रेफ़र किए हों, उन्हें बोला जाता है साइटेशंस. सो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ का साइटेशन इम्पैक्ट काफ़ी वीक है. जैसा कि हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के केस में देखा कि उसकी रैंकिंग क्यों ख़राब हुई इस साल, वन ऑफ द मेजर रीज़न बीइंग साइटेशन इम्पैक्ट इज़ वीक. सो जितनी भी रिसर्चेस कंडक्ट की जाती हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट में, आगे उनको इतना साइट नहीं किया जाता या फॉरेन रिसर्चर्स उनको इतना कोट नहीं करते अपने रिसर्च में. सो गाइज, दिस कम्स फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर रीड करेंगे या आप कुछ क्वालिटी मटेरियल ढूंढना चाहेंगे अपने टॉपिक पे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फॉरेन ऑथर्स के रिसर्च पेपर्स मिलते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि आपके इंडियन रिसर्चर्स के पेपर इतने क्वालिटी वाले या इतने वैल्यूएबल आपको लगे कि आप उनको अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट में साइट करें. सो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव टू वर्क इन दिस एरिया. सो नाउ मूविंग फर्दर टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ इंटरनेशनल आउटलुक. सो इंटरनेशनल आउटलुक का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे पाते हैं या नहीं. सो इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं. इसका वेटेज है 7.5%, और सारे सब पॉइंट्स के साथ उनकी वेटेज दे रखी हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक स्टूडेंट रेशियो. सो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी में कितनी इंटरनेशनल डाइवर्सिटी है या फिर बाहर के स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स कितने ईगर हैं
एक इंस्टीट्यूट में आके पढ़ने के लिए. सो फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स के मुंह से तो सुना होगा कि उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, या दे वांट टू गो टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. सो सोचने वाली बात ये है कि क्या ब्रिटिश स्टूडेंट्स या अमेरिकन स्टूडेंट्स क्या वो भी इतने एक्साइटेड और ईगर हैं IIT दिल्ली या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए. सो क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस वो वैल्यू होल्ड करते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ आकर पढ़ना चाहें. सो दिस इज़ व्हाट दिस रेशियो टेल्स अस कि सारे स्टूडेंट्स के प्रपोर्शन में कितने स्टूडेंट्स डोमेस्टिक हैं जो आपकी अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं और कितने स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैं जो फॉरेन से आए हैं आपके यहाँ पढ़ने के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक स्टाफ रेशियो. सो अभी हमने स्टूडेंट्स की बात की, इस पॉइंट पे हम स्टाफ की बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में कितना प्रपोर्शन ऑफ स्टाफ इज डोमेस्टिक एंड कितना प्रपोर्शन इज फॉरेन. सो क्या आपकी यूनिवर्सिटीज इतना वैल्यू होल्ड करती हैं कि बाहर के अकेडमिशियंस, फॉरेन अकेडमिशियंस वहाँ आकर पढ़ाना चाहें. सो पीपल लाइक रघुराम राजन एंड गीता गोपीनाथ, सो ये बिलोंग करते हैं इंडिया से एंड दे आर सुपर्ब अकेडमिशियंस, बट ये यहाँ की इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते नहीं हैं, दे टीच एट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. सो हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स के लिए इट्स अ ड्रीम टू गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड टीच, बट क्या वहाँ की फैकल्टी भी यहाँ आकर काम करने के लिए इतनी ईगर है या एक्साइटेड है? सो दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर ओवर. सो द लास्ट सब पॉइंट अंडर दिस इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मतलब कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ इंडल्ज होती हैं ऐसे वेंचर्स में जहाँ पर उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट होना पड़े या फिर मिलकर कोई जॉइंट वेंचर पर काम करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल कई बार दो अलग अलग कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ मिलकर कॉम्पिटिशन्स कराती हैं, सेमिनार्स कराती हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराती हैं. सो जहाँ पर अकेडमिशंस आकर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर पा सकें और उनको इंटरनेशनल लोगों से इंटरैक्ट करने से एक डाइवर्सिटी मिले. सो क्या हमारे इंस्टीट्यूट्स इन सब चीज़ों में पार्ट लेते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जैसी एक्टिविटीज़ को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं जिससे उनके स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल डाइवर्सिटी मिल पाए? सो दिस इज़ ऑल्सो एन एरिया वेयर इंडियन इंस्टीट्यूशंस लैक. सो द लास्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्री इनकम. तो इंडस्ट्री इनकम का मतलब क्या है? जैसा कि हमने रिसर्च में डिस्कस किया कि रिसर्च जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए या फिर इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट उसका कोई फ्रूट नहीं मिल पा रहा. सो रिसर्च शुड बी इंडस्ट्री ओरिएंटेड या फिर एप्लीकेशन ओरिएंटेड. सो एक रिसर्चर जब किसी भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करता है या उसको कोई भी कंपनी अप्रोच करती है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो उसके बदले उसको पे करती है. सो दिस पॉइंट एनालाइजेस कि एक रिसर्चर को जो एक यूनिवर्सिटी या एक इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है उसको कितनी अर्निंग हो रही है इंडस्ट्री से या इंडस्ट्री के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पूरा करके. सो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं दे आर यूजुअली इन कॉन्टैक्ट विद कॉर्पोरेट्स और वो अपनी नॉलेज को उन्हें ट्रांसफ़र करते रहते हैं. सो देयर शुड बी अ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम अकेडमिक वर्ल्ड टू दी इंडस्ट्री, वरना उस रिसर्च का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो. तो इस पॉइंट में यही एनालाइज किया जाता है कि कितनी इनकम एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जनरेट कर पा रहे हैं थ्रू देयर रिसर्च प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्री. सो गाइज ये थे 5 पॉइंट्स ऑफ मेथोडोलॉजी दैट टाइम्स हायर एजुकेशन फॉलोज टू एनालाइज यूनिवर्सिटीज. सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा. सो गाइज अगर आप इसमें नोटिस करेंगे और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर दे होल्ड गुड पोजिशन इन टीचिंग एज वेल एज रिसर्च, बट द एरियाज वेयर दे लैक आर citations impact and international outlook. So Indian universities को इन दो areas में काम करने की बहुत ज़रूरत है. So authorities को ये बात सोचनी चाहिए कि कैसे research को ज़्यादा practical oriented बनाया जा सके, कैसे research को इतना strong और efficient बनाया जाए कि foreign researchers भी उन्हें अपने research में quote करना चाहे या फिर
साइट करना चाहे, और कैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज को एक इंटरनेशनल ओवरव्यू प्रोवाइड किया जा सकता है, या कैसे इंडियन स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड किया जा सकता है. सो इसके लिए दे कैन इंडल्ज इन एक्टिविटीज जहां उन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएट होना पड़े, जहां पे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो, ट्रांसफर ऑफ नो हाउ हो, ताकि लोग एक दूसरे से सीख पाए. सो अगर यूनिवर्सिटीज वर्क ऑन दीज टू पैरामीटर्स, सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाली रैंकिंग्स में हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बेटर रैंकिंग देखेंगे. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. सो दिस वॉज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, और इससे कई बार कंपिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि UGC नेट में. सो अगर आप एक नेट GRF एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए और यूजफुल हो जाती है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू then don't forget to hit the like button and also press the bell icon. And if you want ki aapko aise constant updates milte rahe regarding NET GRF exam, then you can subscribe to our channel and stay connected to us. Thank you for watching this video.